एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग की सभी की मनोकामनाएं शिव जी पूरी करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे भी हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नॉर्मली कोई भी कॉमनी वो हेयर स्टाइल बना सकता है, सबको ये हेयर स्टाइल मतलब इस टाइप का हेयर स्टाइल चाहिए होता है जो फटाक से बना के कहीं भी हम जा सकें, पार्टी हो, पूजा हो, फंक्शन हो और हम कंफर्टेबल रहें। इसके लिए खुले बाल तो अच्छे लगते ही हैं बट हम लोग खुले बालों में काफ़ी हद तक कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हो। सबसे पहले मैं सिंपली अपने बालों को एक पफ बनाऊंगी अपने सिर पे। जैसे अब अगर आपका फेस फोरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो आप पफ बनाओ, लेकिन फ्रंट से कुछ लेयर्स अपने फेस पे ज़रूर निकाल दीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से मैं बालों का फ्रंट थोड़ा सा अपने आईब्रो के आज से दोनों साइड से हेयर लूँगी और इस तरीके से पफ बनाऊँगी। ज़्यादा ऊँचा पफ नहीं बनाना है मुझे यहाँ पर, और इसको बॉबी क्लिप से सेट कर दूंगी। ओके, दो क्लिप यहाँ पे मैं ऐड कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं साइड से हेयर लूँगी बट यहाँ पे मुझे लेयर्स रखना है अपने फेस पे, तो इस तरीके से हेयर ले लेंगे। और इसको सिंपल सी चोटी गूँथ लेंगे सारे बालों की, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल जो है वो अच्छा दिखे। ओके, चोटी को ऐसे गूंथना है कि आपका जो क्लिप है वो वहाँ तक जाए। ओके, और इसको यहाँ पे ही क्लिप की मदद से सेट कर देंगे। अगर आप फ्रंट से मतलब आपका बाल आपको कंफर्टेबल चाहिए लेकिन बैक से आपको ओपन रखना है तो आप रख सकते हो। ओके, इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा खींच दिया। दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से करना है। सॉरी गाइस, बच्चे आ गए थे तो इग्नोर इट एंड हेयर स्टाइल पे ध्यान दीजिए। फिर इधर से भी मैंने हेयर को लिया है, अच्छे से इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ से सिंपली चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। चोटी मीन्स ब्रेड। जो हम लोग थ्री लेयर्स वाली चोटियाँ बनाते हैं सेम वही बनाना है आपको यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं एक क्लचर से बनाऊंगी हेयर स्टाइल जो कि काफ़ी अच्छा लगने वाला है, और यहाँ पे इसको भी क्लिप के ऊपर लाके जस्ट इस तरीके से सिक्योर कर देंगे। आई होप कि आपको दिख रहा हूँ, क्लियर दिख रहा है गाइस। अब इसको मैं क्लिप से यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। ओके, अब बैक के बालों को आप चाहो तो इसी तरीके से ओपन छोड़ सकते हो और कहीं भी जा सकते हो, और चाहो अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो आप बैक के बालों को इस तरीके से ओपन छोड़ के कहीं भी जा सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आएगा एंड स्टाइलिश भी लगता है। ओके, तो इस तरीके से आप बना के कहीं भी जा सकते हो। और अगर आप चाहो तो एक हाई बन बना सकते हो यहाँ पे, साड़ी पे, सूट पे, सबके साथ जाएगा ये। तो हाई बन बनाने के लिए सबसे पहले आपको सारे बालों को एक ऊपर की तरफ से एक पोनी बनानी है, एकदम हाई पोनी टेल बनाइएगा यहाँ पे और रबर बैंड से अच्छे से रबर बैंड को लगा लीजिएगा। टाइटली हमने यहाँ पे रबर बैंड को लगा लिया है। अब आपको लेना है एक क्लचर जिससे कि आपका जो पतला हल्का छोटा बाल है उसमें आप एक बड़ा सा बन बना सको। तो मैं यहाँ पे ये वाला क्लचर ले ले रही हूँ। इस क्लचर के साथ मैंने आपको पहले भी हेयर स्टाइल बताई हुई है। ओके, आई होप कि दिख रहा हो क्लियरली। तो इसको आपको क्या करना है, मुझे ये क्लिप्स थोड़ा सा इरिटेट कर रहे हैं तो मैं इसको लूज कर ले रही हूँ जिससे कि मेरे बाल जो खींच रहे हैं वो ना खींचें। ओके, तो ये मैंने क्लिप्स को लूज कर लिया है और अगेन इस क्लिप को यहाँ पे हेयर को पकड़ के लगा दूँगी। ओके, अब मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ मैं। अब आपको क्या करना है, पोनी को इस तरीके से नीचे की तरफ दबाना है और रबर बैंड के जस्ट ऊपर आपको क्लचर अप्लाई कर देना है, क्लचर को लगा देना है। ओके,
अब आपको हेयर को अच्छे से कॉम करना है, क्लचर के बाद का जो भी हेयर बचा हुआ है उसको अच्छे से कॉम करना है। और आपको चाहिए यहाँ पे एक पतला वाला रबड़ बैंड, तो यहाँ पे इस तरीके से पतले वाले रबड़ बैंड को लगाना है। बट पहले आप अच्छे से अपने क्लचर को हाइड कर दीजिए। ओके, इस तरीके से हाइड करने के बाद से आपको ऊपर में एक रबड़ बैंड लगाना है। इसको अच्छे से, एक सेकेंड, इस तरीके से करके यहाँ पे आपको यू पिंस लगा देना है। और ये आपका बन बन के रेडी हो गया। बैक में आप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर सकते हो। सेटिंग स्प्रे लगाना है और इस तरीके से बैक के हेयर को। फ्रेंड्स, ये है बन का फाइनल लुक। देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है और कितना इजीली मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो। सिर्फ एक क्लचर से आप इतना सुंदर हाई बन बना सकते हो। पार्टी के लिए कहीं भी जा रहे हो, पूजा पाठ में, तो आप इजीली बना लोगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।